नियर सुसाइड पॉइंट, और सुसाइड पॉइंट पे मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरे को फीलिंग भी आ रही है वैसी। क्या बोलती पब्लिक, जंप करो क्या, देखने का है देखने का तो कमेंट करो, अगले पार्ट में जंप करेंगे। क्या अजान होती है, मस्जिद है वो सामने। हाँ मस्जिद है वो सामने, दिख रही है आपको वो मस्जिद है सामने, ऑटो के आगे तो मस्जिद है। माँ की अजान हुई थी और सास वहाँ उठ गई, सास ने बहू से कही थी कि तू उठ जा, सुबह हो गया 5 बज गए। मान सिंह महल 1518 ईस्वी में तोमर राजा मान सिंह तोमर द्वारा करवाया गया था इस महल का निर्माण। कैन यू बिलीव 1518 का कंस्ट्रक्शन है ये, मतलब लगा लो। और सीन ऐसा है कि सुबह नींद नहीं खुल पा रही है और रात को ज्यादा रात हो जा रही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे, घूमने का जो भी टाइम मिल रहा खाली दोपहर में मिल रहा, तो अभी मैंने जाने का डिसाइड करा है ग्वालियर फोर्ट पे, सॉरी मशहूर ग्वालियर फोर्ट पे, जो ग्वालियर का मशहूर किला है। आपको मैं जूम करके दिखाऊं, मेरे रूम से सामने ही दिखता है, थोड़ा सा दूर है बट दिखता बहुत पास में है। ये देखिए, ये है ग्वालियर का मशहूर किला, तो यहाँ जाने का है मेरे को अभी। सफर स्टार्ट करने के पहले मैंने सोचा आपको अपने रूम से ही दिखा दूं मैं। ये यहाँ पे है ग्वालियर किला, धूप का आलम देख ही सकते हो क्या खतरनाक धूप हो रखी है। ठीक है बढ़ाते हैं अभी, अब नजदीक से देखते हैं किला, बहुत सारे किस्से कहानियों और रहस्यों से भरा हुआ है ये ग्वालियर का किला। और करीब 12 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, चल के नजदीक से देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। ये चेक करो फोर्ट के बाहर का मिनी चौपाटी, और बहुत सही है, मेरे लायक जन्नत है ये प्लेस, क्योंकि आई लव टू ड्रिंक एवरीथिंग इन दिस फकिंग समरी सीजन। यहाँ पे भी तो नाश्ते से ज्यादा पीने की व्यवस्था है, यहाँ पे होनी भी चाहिए ना, इतनी गर्मी पे खाने का कुछ मन नहीं करता, कोई नहीं खाता, खाली कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतल। ये चेक करो आउटर व्यू किले का, जीरो। ग्वालियर क्षेत्र में सोन का प्राचीनतम शिलालेख चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर, ये ब्यासी खंबे हैं। ब्यासी खंबे, इसमें से एक खंबा नीचे से है ना, वैसा नहीं है हवा में लटका है। हाँ हाँ इसका शायद मैंने देखा है कहीं। हाँ इसी में से, ये नीचे से कुछ भी निकाल दो आप। 82 खंबे, बहुत सही यार, चलो देखो बेनिफिट होगा तुम लोग के आने का। चल ले इधर, चल ले इधर। मैं देख रखा था वीडियोस पे, अच्छा रियल का कलर है, मुझे लगा लाइट इफेक्ट आ रहा है शुरू से ही। टाइल का ब्लू कलर रियल है, ब्लू और गोल्डन, 1800 कभी तो हुआ था ये। हम आ गए 82 खंभे, मंदिर है क्या ये, हेरिटेज साइट। वो कौन सा खंभा है भाई जो आप रखा था, एक ही टंगा था मेरा, खुद देखा, बहुत महंगे महंगे कर दिया उसको। क्या बावली है, कुंड है, कुंड
वो वाला खंबा किधर है? वो वाले तो वो इधर है, समझ नहीं आ खंभों पे इनके नंबर भी लिखे हुए हैं, कुछ मिट चुके हैं, कुछ लिखे हुए हैं लाइक 39, 44, 47, 48, चलते किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। लग रहा है यहाँ पे छोटा सा प्रैंक हो गया, यहाँ पे वो है नहीं। फिल्म बन जाती है पूरी, मानसिंह महल यही है अंदर जाने को, उधर से ये चेक करो 80s का टाइल वर्क जो कि अभी तक एज इट इज है, और हम लोग जो अभी घर पे करा रहे हैं 2 साल नहीं चल पा रहा, वो ब्लडी मॉडर्न आर्किटेक्ट। महाराजा मान सिंह का महल है ये, यहाँ से पूरी सिटी दिखेगी। हाँ गॉट इट, ये लाइट शो करने के लिए मशीन है। हाँ, ये कलर, कलर चेंज रात पे ना पूरी इस पे कलर्स आते हैं, कलर चेंज होता है। अगर टाइम मिला तो रात में भी आएंगे। आई गेस यही है वो सुरंग जो यहाँ, यही है ना, झांसी निकलती है, अच्छा लॉक कर दिया है। कुछ बोलोगे इसके बारे में? जो बस अच्छी है, बस जो आज तक बारात गई है वो आज तक लौट के नहीं आई है, जो भी गया अंदर वापस लौट के नहीं आया, नहीं आया। और इसमें चमगादड़ वगैरह बहुत बड़ी बड़ी है, अब जो क्या लॉक कर दिया सरकार ने। ये कब से बंद हो गया है? ये हो गया है कम से कम अपना 10-12 साल से, तो 10-12 साल से। वो सोचा था कुछ दूर तक जाऊंगे यार, ये बंद है, बिल्कुल मना कर दिया। पहले क्या आधे रास्ते में खोल दिया, किले के नीचे उतर सकते हैं, उधर के बाद क्या सांप बिच्छू बहुत वगैरह है। तहखाने इसी पे है कि महल पे है? नहीं इसमें तहखाने, इस पे इसमें इसके अंदर। ये चेक करो गाइस, यहाँ से जमीन के अंदर अंदर झांसी और जयविलास पैलेस भी जाता है, झांसी दिल्ली जयविलास पैलेस। आई गेस यहीं से अंग्रेज भी आए थे, इसी रास्ते से अंग्रेज आए थे, झांसी की रानी की उस साइड जम करी थी, झांसी की रानी की युद्ध के टाइम पे भी यहीं से आई थी वो। और इसके पीछे कोई सी साइड है जहां से उन्होंने जंप करा था, और उनकी मूर्तियां इधर लगी है। अच्छा उसकी मूर्ति भी है, मूर्ति है ना, गोली बंदे के पास बना दी, वाली जो बना दी। ये चेक करो ग्वालियर सिटी का टॉप व्यू। वाओ मैन, तभी समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा हम कितनी हाइट पर है। हाँ सुसाइड पॉइंट, ये इधर से ऊपर आया।
सेफ है मेरा एक तो और ये ग्वालियर का सुसाइड पॉइंट है। यहाँ पर कुछ टाइम पहले लुका छुपी की मूवी की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। ये चेक करो गाइस सुसाइड पॉइंट द डेड एंड ऑफ फोर्ट। फीलिंग भी आ रही वैसी क्या बोलती पब्लिक जंप करूँ क्या देखने का है देखने का तो कमेंट करो अगले पार्ट पे जंप करेंगे जंप वाली वीडियो मैं नहीं डाल पाऊंगा फिर भी भाई डालेंगे मेरी जंप की वीडियो। खतरनाक जगह है यार भैया वो जरूर देख रहे हैं शास्त्र बाहु। हाँ कहाँ पे वो है आज किला उन्हीं की देन है। हाँ बस ये किला किसी की देन नहीं है वो तो आप कहते हैं राजा महाराजा की हमारी है। अच्छा इसके इसके बारे में कहानी सुन रखी है मैंने कि जिन्नों के द्वारा भी बनाया लोग उठा के। हाँ अब क्या अजान हुई थी ये मस्जिद है वो सामने। हाँ मस्जिद है वो सामने दिख रही है आपको वो मस्जिद है सामने ऑटो के आगे तो मस्जिद है। माँ की अजान हुई थी वही सास वह उठ गई सास ने बहू से कही थी कि तू उठ जा सुबह हो गया 5 बज गए। तो वो किले एकदम क्या है दूध काढ़ा उनने गोबर ओवर थापा उस वजह से ये किला फेंक गए वहीं के। अच्छा हमारे पूर्वज पूर्वज तो यही कहते हुए आ रहे हैं और हम भी यही सुनते हुए। हाँ मैंने भी सुना है इसके बारे में बनाया किसी ने ये किला जिन जिन तो आज तक आप भी ये देखो किसी किले की दीवार गिरी है यहाँ की नहीं। कोई भी दीवार नहीं गिरी है एक भी इवन जयपुर नहीं गिरी जयपुर के भी इतने सारे किले हैं लेकिन इतने मजबूत इतना खूबसूरत नहीं है मकान बनाए हुए पर आज तक एक खरोच नहीं आई है मकान वालों नहीं कभी एक भी खरोच नहीं आई है कि दीवार गिर गई हो किले की कभी 1800 कभी का बना हुआ इसकी जो भैया के लिए तो डिटेल में जानकारी के लिए भाई से संपर्क कर ले भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ किसी को आना हो तो गाइड की जरूरत हो तो भाई को पकड़ लेना याद कर लेना एक बार पूरा ग्वालियर महात्मा। चैनल का है इस पे वीडियो ना वो साइड हमारा घर है उधर एयरपोर्ट है वो वाइट वाइट दरगाह दिख रही है वो ऊपर सामने पानी टंकी है। अच्छा वो ऊपर हाँ, बहुत ऊंची दरगाह है उसी के लिए बिल्कुल। अच्छा हाँ। उसके बाद बगल में एयरपोर्ट है वो पूरा यहाँ पे आर्मी बेस भी है ना वो फाइटर जेट बहुत सारे ग्वालियर किले के बारे में कुछ लिखा हुआ डिटेल्स में इसको पढ़ना रहेगा तो स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक के पढ़ लेना। तलहटी में स्थित गुजरी महल तथा सूर्य मंदिर तेली का मंदिर शत्रुभुज मंदिर इससे आगे जाने के लिए टिकट लेना रहेगा। ये एक टिकट पे 3 जगह आप घूम सकते हैं मानसिंह पैलेस सास बहु मंदिर एज नोन एज सहस्त्र बहु मंदिर और तेली का मंदिर। ठीक है टिकट लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो अपनी टिकट ये पड़ी है इस पे ये ग्वालियर फोर्ट की एक हाथ पे हेलमेट है तो दिखाते नहीं बंदा बाद में दिखाऊंगा टिकट प्राप्त करके। और अभी 3 डेस्टिनेशन जो कवर कर सकते हैं उनमें से एक पे जा रहे हैं ये बाहर तोप जड़े हुए ये है
मान सिंह महल 1518 ईस्वी में तोमर राजा मान सिंह तोमर द्वारा करवाया गया था इस महल का निर्माण। कैन यू बिलीव 1518 का कंस्ट्रक्शन है ये, मतलब लगा लो। और मजबूती देख लो, फिनिश देख लो। अभी मैंने घर का काम कराया था, मिस्त्री ने ईंटें टेढ़ी लगा दी थी, और ये चेक करो आप पत्थर क्या सही से सेट है। चलो सही है, अंदर अंदर का सूट रहेगा, धूप से बचेंगे। करो तहखाने पे कारीगरी चेक करो, डिटेलिंग चेक करो इस पे। ये सब बंद कर दिया ना इन्हें, नीचे के लिए सारा नीचे आया। अभी तय खाने खाने के लिए रहा होगा। तो ये चल रहे हम तय खाने की तरफ। अभी तो यही थे ना? नहीं, और साइड थे उस पीछे। ऐसे ही था वो भी। जब भी इसे भूल भुलैया कहते हैं। हाँ ये चक्कर पत्थर से बना हुआ झूमर। पत्थरों पर इतना खूबसूरत आकृति कुरेद पाना आज के समय में भी संभव नहीं है। अब खाली इमेजिन करो 1500 ईस्वी पे बनाया गया है, कोई सीमेंट ना कोई ईंट ना कोई जोड़, खाली हाथों की शिल्पकारी से बनाया गया है। कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, नो नथिंग। ये चेक करो आप डिटेलिंग, छोटी सी छोटी चीज पर भी भरपूर डिटेलिंग है। भाई भी हमारे साथ साथ वॉक कर रहे हैं। ये आ गए अपन तहखाने पे, लाइट चालू कर लूँ। हाँ ये वैसे मुझे भैया ने मना करा था कि ज़्यादा यहाँ वहाँ मत जाना, भटक जाएगा। और यहाँ के बारे में बहुत मशहूर है कि बहुत सारे लोग चाह जाते हैं लेकिन रास्ता भटकने के कारण फिर कभी वापस नहीं जा पाते। इसको मैंने देख रखा था, ये
राजघरानों का बहुत शाही जगह हुआ करता था, लेकिन जब अकबर शासन पे आया था तो उन्होंने इसको क्रूरता का अड्डा बना दिया था। ये इन पे कहा जाता है कि जिनको बंदी बनाते थे उनको इस पे लटका दिया करते थे और यातनाएं दिया करते थे। गद्दी की रेस के लिए पहले क्या भाई, क्या दुश्मन, क्या दोस्त, क्या रिश्तेदार? कुर्सी उसी को मिलती थी जो सबसे ज़्यादा अत्याचार कर सकता था, और कुर्सी के दूसरे वारिस से दूसरे हकदार के होते हुए ये संभव नहीं हो तो उसको या तो मार दिया जाता था या तो फिर इसी तरह तहखानों पर बांध कर और यातनाएं दी जाती थी। काफ़ी काला बदबूदार और डरावना सीन है यहाँ पे। ठीक है, नहीं भैया बता रहे थे कि वो ट्राईपॉड नहीं लगा सकते। अच्छा ये भी है नीचे, हाँ नीचे आ जाओ, इससे नीचे आ जाएंगे वापस, आ जाएंगे। अरे भैया मिलते रहते हैं, सब जगह। अब अभी और नीचे जा रहे हैं तय खाने, क्योंकि मेरी थोड़ी थोड़ी फटनी चालू हो गई है। ये बस ब्रो, अभी लास्ट ना, इसके नीचे नहीं जाएंगे अपन। ये चेक करो, ये आ गए तय खाने पे। ये देखिए, ये हम तय खाने पे आ गए, और ये आपने बाहुबली में देख रखा होगा, देवसेना को इसी प्रकार के एक पिंजरे में बंदी बनाकर रखा गया था। It's like this. बहुत अजीब एम्बियंस है यहाँ का, सच कहूँ तो खौफनाक। मतलब मुझसे ना आधा घंटा नहीं रखा जाएगा यहाँ, सोचो कैदियों को सजा मिलती थी। ये देखो, चेक करो चमगादड़ लटका हुआ, ये चेक करो। क्या बैटमैन ब्रो, अभी नहीं जा रहा इससे, इसके नीचे क्या नहीं। अभी इसके मांग में नहीं जा रहा, ऊपर चल सकते हैं। हाँ। नीचे कितने शानदार जी, और अंदर इसके अंदर। हाँ? रास्ता पन आए कहाँ से थे? वो ये बाहर का दरवाजा। अरे और मत फाड़ो यार, और मत। ये चेक करो गाइस, अभी पहले ये बताओ नहीं तो बिल्कुल कोई भी भटक सकता है यहाँ। हाँ अपन लोग गए नहीं उधर, बंद कर रखे, बंद कर रखे। अब वैसे बहुत सारे जिनों को इन्होंने बंद कर रखा है, अभी जाना नहीं वहां पे। मैं तो भाई साहब इतने में भटक चुका हूँ, मतलब भाई लोग अगर साथ में नहीं होते थे ना ऐसा तो नहीं कि निकल नहीं पाता, लेकिन बहुत समय। सांस से फूल गई, ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के।
कमी हो तो आके पूरी कर जाओ। और कुछ था घूमने के लिए मगर इट्स बिट स्कैरी। वो नीचे ना जो कत्लगाहें थी न जाने कितने लोगों को मारा गया है बेरहमी से, तड़पा तड़पा के वहाँ कैदी बना के रखा गया था। तो हकीकत बताऊँ तो वहाँ की वाइब ना काफ़ी डरावनी थी और घुटन सी फील हो रही थी। मैंने कहा चलते हैं बाहर। उसके नीचे फांसी का एक अड्डा था और बहुत सारे पतले पतले सकले सकले रास्ते थे ऊपर नीचे जाने आने के लिए। मैं बोला नहीं जा रहा, चलो पानी पी लो फिर आपसे बात करता हूँ।